हेलो गाइस, वेलकम टू प्रतिभा कृष्ण। आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी, जो कि 36 साइज़ का मैंने बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपकी सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। और साथ ही अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको कमेंट कर रिप्लाई दूंगी। तो ये देखिए, मेरा जो है मेन फैब्रिक है जिसमें मैं कटिंग करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कटिंग जो है अस्तर बताऊँगी। अस्तर कट करने के बाद ही हम मेन फैब्रिक पे कपड़े को रख के कट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो अस्तर मिलता है मार्केट में, वो मैंने ले लिया है। जैसे हम नॉर्मली कपड़े को फोल्ड करते दो फोल्ड अस्तर को, उसी तरीके से मैं यहाँ पे इस अस्तर को फोल्ड कर लूँगी, जिसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है, क्योंकि मैं यहाँ 36 इंच के बना रही हूँ, 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। अब देखिए लंबाई में मुझे चाहिए 14 इंच, मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करूँगी। 2 इंच हम एक्स्ट्रा नीचे से फोल्डिंग के लिए लेंगे, तो 14 इंच पे मार्क कर देते हैं, और नीचे और जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारी फोल्डिंग के लिए। तो ये देखिए मैंने 16 इंच पे मार्क कर लिया है, कुछ इस तरीके से। अब ऊपर से मार्क कर लेंगे ऐसे यहाँ पे। अब यहीं से जहाँ से हम मार्क करके यहाँ से हम तीरा का निशान लगाएंगे, यानी कि जो हमारा तीरा होता है। तो सब पहले हम नीचे वाली मार्किंग को मिला लेते हैं स्ट्रेट, जो हमारी 2 इंच की फोल्डिंग वाली हिस्से है। तो ये देखिए इस तरीके से हम मिला दिए, ये हमारे नीचे का फोल्ड वाला एरिया है। अब हम ऊपर से तीरा का नाप लगाते हैं। चलिए तो ये देखिए टोटल, देखिए 14 इंच, मैं बता दूँ फिर से आपको कंफ्यूजन ना हो, तो कोई भी 14 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, 14 इंच हमारी रेडी ब्लाउज है। अब देखिए तीरा रखेंगे, तो तीरा मेरे मेजरमेंट में 5.5 इंच है। यहाँ पर मैं 36 इंच की ब्लाउज बता रही हूँ आपको, 5.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। उसके बाद अमोल हम 6 इंच रखेंगे। मैं अपने सारे ब्लाउज़ की कटिंग में बताती हूँ हमेशा ये, कि मैं जब भी हम तीरा रखेंगे उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा अमोल रखते हैं। अब देखिए जो मेरे मेज़रमेंट में ब्लाउज़ की जो एक हिस्सा है, अब 36 का हमें 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 आएगा, तो 9 पर हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ये देखिए 9 पर मैंने मार्क किया, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे लूजिंग के लिए, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो आप 2.5 भी रख सकते हैं, वरना आप 2 इंच पे लेके चल सकते हैं। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम गले का नाप रखेंगे, तो गला मैं यहाँ पर ऊपर से 2.5 इंच ले रही हूँ, इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। 3 इंच हमारा जो है पट्टी आ जाएगा कंधे का, 2.5 पे मार्क करेंगे। गले की जो हमारी गहराई वो 11 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या बेसी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मैं बैक साइड का पैनल कट कर रही हूँ, बैक साइड की मदद से ही फ्रंट साइड कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 3 इंच नीचे से ले रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा गला ब्रॉड चाहिए, नीचे से थोड़ा फैला हुआ चाहिए। अगर आपको फैला हुआ नहीं चाहिए तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 3 इंच मैंने रख लिया। अब हम स्केल की मदद से इसे हल्का सा मिला देंगे, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर मिला दी है। अब देखिए यहाँ से मैंने इंची टेप रखा, जो कि 2 इंच पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं डिज़ाइन थोड़ा सा बना रही हूँ बैक में, इस तरीके से। अब हम स्केल की मदद से ऐसे तिकोना खींच देंगे, तो ये देखिए कुछ कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे हम, कट कर मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे, अब हम इसे लाइन को अच्छे से मिला देते हैं। ये हमारा बैक पैनल है, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, तो यहाँ मार्किंग हो गई। अब हम अमोल की डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अमोल देखिए यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, ऊपर से हम 3 इंच गिराएंगे इस तरीके से, यहाँ देखिए इस तरीके से ये। अब इन दोनों लाइन को हम अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि कर्व शेप दे देंगे। अगर आपके पास कर्व शेप स्केल है तो आप उसका भी यूज़ करके बना सकते हैं, नहीं तो आप फ्री हैंड जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश अपने वीडियो में करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें सिंपल और ईजी तरीके से बताऊँ। और अगर फिर भी आपको लगे कोई कंफ्यूजन, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, जिससे मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी दूं और चीज़ें भी क्लियर करूं। तो अब चलिए इसे कट कर लेते हैं हम। कट करने के बाद जो इसका बैक साइड का डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल बन के आएगा, क्योंकि तो मैंने यहाँ सिंपल सा ही डिज़ाइन डाला है, बट ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, इसे पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था पेट में। जब हम इसे बैक साइड में वेयर करेंगे तो ये पूरी जो पेट में आते अच्छे से फिटिंग के साथ, वो बहुत बहुत ही अच्छे से अच्छा लग रहा था देखने में। तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें, अगर आपने कभी डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ नहीं पहना है, आपको सिंपल डिज़ाइन भी चाहिए, थोड़ा सा डिज़ाइन चाहिए, तो आप इस तरीके से डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं।
तो इसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। और साथ ही अगर आप ऐसा डिज़ाइन बनाए अपने ब्लाउज़ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने ऐसा डिज़ाइन बनाया और बनाने के बाद आपको कैसा लगा, वो कैसी आपकी डिज़ाइन लगी। तो ये देखिए ओपन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आएगा। तो इसमें मैं अब हम चलिए फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट की कटिंग करने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कपड़े को बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लिया। बीच से क्यों फोल्ड किया मैं आपको बताती हूँ अभी इसके बाद। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक साइड के पैनल को अपने इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले कुछ इस तरीके से हम सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं बैक वाला जितना लंबा है उतना ही लंबा फ्रंट वाला भी रख रही हूँ। सा फ्रंट वाले में कोई भी थोड़ा सा भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 इंच लिए हैं तो यहाँ से भी 2 इंच हमारा है एक्स्ट्रा। और यहाँ पर कोई बेल्ट मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि प्रिंसेस सी मैं, तो मुझे और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब देखिए मुझे यहाँ पर 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलूँगी मैं। वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि 1.5 1.5 इंच यानी कि 3 इंच की, या फिर 1 इंच, आप 1 इंच लेके चल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ही इंच लिया है तो 1 1 इंच यानी कि 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखिए इस लाइन को भी हम इस तरीके से मिला देंगे और यहीं से हम अमूल का सेप दे देंगे अपने। तो ये जो सेप है उसे हम अच्छे से मिला देंगे, इससे हमारी अमूल की सेप अच्छे से आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमें अमूल का सेप दे दिया है। अब हम इसे हटा देते हैं। अब इसे कट करके हम आपको निकाल देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे निकाल देंगे। ये हिस्से पे हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। कट करके सारे कपड़े को निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, या फिर मेरे चैनल की मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी भी दबा दें, जिससे सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस सिम का पैटर्न ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन यानी कि ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पहले हम तो गला बना लेते हैं। तो गला देखिए मैंने बैक साइड में 2.5 पे रखा था, तो यहाँ पर भी हम 2.5 पे ही रखेंगे। अब इसकी गहराई आप चाहे जितना दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 6 इंच की गहराई ले रही हूँ। आप अगर डीप ज़्यादा पहनते हैं तो आप 7 इंच पे भी रख सकते हैं, बट 7 से ज़्यादा नहीं रखते हैं, 7 इंच ही। मैं ज़्यादा डीप रखना अगर चाहिए तो 7 रख सकते हैं। नीचे से हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर भी हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो वी शेप, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आपको वी शेप की शेप कैसे बनाते हैं वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं स्पेशली वो वी शेप की कटिंग भी बताऊँगी आपको कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए शेप हो गया हमारा गला। अब देखिए यहाँ से हम प्रिंसेस शेप लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो गला वाला हिस्सा, जिस साइड से हमने गला लगाया है, ये देखिए गले वाली साइड से हमें 4 इंच लेनी है। इस तरीके से 4 इंच लेंगे, ऊपर की ओर हम 3.5 लेंगे। इस तरीके से ये देखिए 3.5 लेंगे, उसका देख लेंगे इधर साइड से भी मिला देंगे। देखिए 4 है, यहाँ से भी 4 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को स्ट्रेट इस तरीके से मिला देंगे। तो कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगा। अब हमें हल्का हल्का कर्व देना है आमोल के साइड में, इस तरीके से। ये देखिए हल्का हल्का कर्व सेप देंगे आमोल के तरफ, इस तरीके से कुछ मिलाना है। ये हो गया हमारा पैटर्न ड्रॉ। अब देखिए जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रही थी, मैंने अभी आपको बताया था ना जब हमने पैटर्न कट किया था तब 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रही थी। पहले मैं आपको मेजरमेंट फिर से दिखा देती हूँ। देखिए 4 इंच मैंने गले के साइड से लिया, 3.5 इंच ऊपर की ओर लिया। अब जो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है, इस साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब वही 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम 2 इंच इस तरीके से इंसिटिव रखेंगे और इसको मार्क करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है यानी कि 4 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर से हम 1 इंच 1.5 इंच रखेंगे, 1.5 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से भी हल्का हल्का कर्व देंगे और जहाँ पे 3.5 पे था उस पर इस तरीके से हम मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये बहुत ही परफेक्ट
कटिंग है मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको इसमें बताया है। और इस तरीके से देखिए जो 2 इंच एक्स्ट्रा था यहाँ का वो हमारे यहाँ पर कट के बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे एक्स्ट्रा लेके जो चल रहे थे यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो जाएगा सिलाई के टाइम पे। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से प्रिंसेस सीम की कटिंग करना बताया है और आपको ये चीज़ परफेक्ट कटिंग आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छे से परफेक्ट कटिंग होगी। और जो आपको प्रिंसेस सीम में बिना कफ के, एक बात बताऊँ आपको, मैं इसमें बिना कफ का मैंने ब्लाउज़ बनाया और ये बहुत ही परफेक्ट बैठी है फिटिंग इसकी। इस तरीके से आप कट करेंगे तो ये फिटिंग इसकी बहुत ही परफेक्ट बैठेगी। कोई आपको इसमें कोई चैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कफ लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बैक साइड में हल्का सा कट करके हुक लगाया है इस ब्लाउज़ में। तो इसमें मैंने जो इसकी सिलाई मैं करूँगी इसमें बैक साइड में हुक लगाऊँगी। ये देखिए हमारा ये इस तरीके से कुछ हमारा लुक आएगा सिलने के बाद। तो अब चलिए हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव देखिए मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक, ये हमारा बैक है और हमारा फ्रंट है। अब हम स्लीव की ओर चलते हैं। तो स्लीव देखिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया और इसकी लंबाई ली है 9 इंच, सॉरी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है, लंबाई मैंने इसको पूरा ही रख लिया है जितना मेरे पास कपड़ा है उस हिसाब से। तो अब हम यहाँ पर 7.5 पे मार्क करेंगे क्योंकि मैं अपनी चौड़ाई चाहिए थी नीचे से 7.5। अब ऊपर से हम लेंगे 9 इंच इस तरीके से, ये देखिए 9 इंच। अब इन दोनों को हम सेप पे मिला देंगे। मैं यहाँ स्लीव की कटिंग मेन फैब्रिक पर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अस्तर इसमें नहीं लगाना है, आप चाहें तो अस्तर भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसे हम एक अच्छा सा कर्व शेप दे देंगे जैसे हम स्लीव बाकी सारे स्लीव में देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें स्लीव की शेप हो जाएगी। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। मैंने जो यहाँ पे आपको कटिंग बताई है इस अगर मेथड से आप कभी भी कट करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की तो उसमें आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आनी है। और तो और आपको इसमें कफ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना बिना ब्रा या फिर बिना स्टेपरी की पहनना चाहते तो उसमें भी फिटिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। और मैंने यहाँ पे बैक साइड में हुक लगाया है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने मेरे सारे फैब्रिक को कट कर लिया। ये मेरा मेन फैब्रिक को भी अस्तर पे इस तरीके से प्लेस कर करके कटिंग जैसे करते हैं नॉर्मली मैंने कट कर लिया है। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।